ॐ भुवनेश्वर्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ह्रीं भुवनेश्वरी का एकाक्षरी मंत्र है ह्रीं। ॐ शक्ति ऋषये नमः शिरसि गायत्री छंदसि नमः मुखे भुवनेश्वर्यै नमः गुह्ये शक्तये नमः पादयो रंकिलकाय नमः नाभो विनियोगाय नमः सर्वांगे। ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः रिं तर्जनीभ्यां नमः ओम हुं मध्यमाभ्यां नमः ओम क्लिंगनामिकाभ्यां नमः ओम रिं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम हं करतलपृष्ठाभ्यां नमः ओम ह्रां हृदयाय नमः ओम रिं शिरसे स्वाहा ओम हुं शिखाय वो खट ओम हं कवचाय हुं ओम हुं नेत्रत्राय वो खट ओम हं अस्त्राय फट उल्लखने नमः श्री श्री ओम एंग गगनाय नमः मुखे ओम रक्ताय नमः हृदये ओम हुं करालिकाय नमः गुहे ओम हं महोत्सर्वाय नमः पादयो ओम लखाय नमः ऊर्ध्वाय नमः शिरसि ओम यंग मनराय पूर्वात्रे नमः मुखे ओम रक्ताय दक्षिण वक्त्राय नमः हृदये ओम एं करकलिकाय नमः उत्तरवक्त्राय नमः गुहे ओम महेश्वराय पश्चिमाय नमः पादयो ओम गायत्री सहित ब्रह्मणे नमः कंठमूले गायत्री सहित ब्रह्मणे नमः भाले सावित्री सहित विष्णवे नमः दक्षिण कपलो बागेश्वरी सहित महेश्वराय नमः कपोले श्री सहित श्री सहित गणपतये नमः वामकर्णे ओम रति सहित स्मराय नमः मुखे पुष्टि सहित गणपतये नमः दक्षिण कर्णे उपरि ओम शंखानिवेशना दक्षिण गंडारकणांतरले ओम पद्मनिधये नमः वामां गंड कर्णांतराले ओम ह्रीं मूलदेवता भुवनेश्वरे नमः मुखे ओम गायत्री सहिता ब्रह्मणे नमः कंठमूले ओम सावित्री सहित विष्णवे नमः दक्षिणस्तने ओम बागेश्वरी महेश्वराय नमः वामस्तने ओम श्री सहित गणपतये नमः वामांगे ओम रति सहित सहित स्मराय नमः हृदय कमले ओम पुष्टि सहित गणपतये नमः दक्षिणांगे दक्षिणांगले ओम शंखनिधये नमः दक्षिण पार्श्वे ओम पद्मनिधये नमः वाम पार्श्वे ह्रीं मूलदेवतान वोत्सरे नमः नाभौ ओम ब्रह्मणे नमः भाले महेश्वरे नमः वाम भाले ओम कुमारे नमः वाम पार्श्वे ओम वैष्णवे नमः जठरे ओम बाराय नमः दक्षिण पार्श्वे ओम इंद्राय नमः दक्षिणासे ओम चामुंडे नमः कंठे ओम महालक्ष्मी नमः हृदये ओम ह्रीं मूलदेवता वोत्सरे सर्वांगे ओम उद्यदा भानु सहस्र कांति वर्णां चोमां शिरो मालिकां ओम मुंडकादि परतत्मने पीठक देवताभ्यो नमः ओम जयाय नमः ओम अजिताय नमः नित्याय नमः दोग्नेय नमः विजयाय नमः अपराजिताय नमः विलासिन्ये नमः अघोराय नमः ओम एं गगनाय नमः ओम ई कलिलिकाय नमः ओम रक्ताय नमः अभीष्ट सिद्धि में दे शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पयेतुभ्यं प्रथमावतारात् नमः ओम हृदया ओम मह अभीष्ट सिद्धि में देवी शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पयेतुभ्यं द्वितीया मानवर्जनम ओम श्री अभीष्ट सिद्धि में देवी शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पयेतुभ्यं षष्ठम आवरणम अभीष्टम देवी में देवी शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पयेतुभ्यं सप्तम आवरणम अर्वणम पादर्पाद्यम हस्त्योरर्घ्यम अर्घ्यांगात्मनीयम जलम समर्पयामि वस्त्रम उपवस्त्रम ओम दिवासुवासा परवितागा सुश्रियान बहुज्यायमानः तं धीरासा कर्मसाध्यो मनसा देवयन्तौ पास्मै खायता नरः पौमाना इन्दवेय विदेवान् यक्षते माल्यादीन सुगन्धीनि मालत्यादिनमे प्रभो मया अर्थानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहताम् चन्द्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वारस्य प्राणसम्मुखात् अग्निर्जातमग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा साध्यं च वर्ति संयुक्तं मणिना युक्तमया दीपं गृहाणि देवेश त्रैलोक्यतिमिरापं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने
राजमान निर्याद घोरा दीप ज्योतिर नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातक सो हो सूर्यो जायता श्रोत्रा द्वार सप्राण समुखा अग्नि जायता अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो वर्षो ज्योतिर्वर्ष स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा साध्यं च वर्ति संयुक्तं मुनिना योत्तमया दीपं गृहाण देवी सत्रै लोकतिमिरापं भक्त्या दीपं प्रक्षामि देवाय परमात्मने ताय मां निर्याद घोरा दीप ज्योतिर नमोस्तुते। धूपम दीपम नैवेद्यम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शिष्णोद्यवः समवर्तता पद्भ्यां वो मृदिसा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन् प्राणाय स्वापानाय स्वाभ्यानाय स्वसर्वमध्येपानि उत्तरापोषणं समर्पयामि सुतकालोद्भवफलं समर्पयामि शुद्ध्यर्थे ऐलालवंगाय ताम्रपत्रं समर्पयामि कृताया पूजाया साधुगुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजविवाहस्य अनन्तपुण्यफलधमतः शान्तिं प्रक्षामि कृताय पूजाया साधुगुण्यार्थे द्रवेशां समर्पयामि अखंडरित फलं समर्पयामि। ओम उद्यत भानु शास्त्र कांति मनुणां क्षोमां शिरो मालिकां रक्तालित पयोधरां जवडं विद्याम वैतिं वरम आस्ताब जयदतिं तिन्नेत्र विश्वा वक्त्रार वंदे श्रियं देवीं बद्धैमां सुवद्नरदं वंदे रविंदस्थितां श्री षोडश दिव्ये नमः अनया पूज्या षोडश दिव्याः प्रियन्तान् नमः। आइए अब हमने मां षोडशी की पूजा की। अब जो पांचवी देवी है हमारी दस विद्या में वो है छिन्नमस्ता। देखिए छिन्नमस्ता ये जो परिवर्तनशील संसार है, संसार क्या है, परिवर्तनशील है, रोज परिवर्तन होता है क्षण क्षण में। तो छिन्नमस्ता देवी परिवर्तनशील जगत का जगत की जो है अधिपति है। छिन्नमस्ता क्या है, छिन्नमस्ता देवी का स्वरूप जो है आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पे देखिए सिर कटा हुआ है, धड़ अलग है। छिन्नमस्ता रक्त की तीन धाराएं बह रही हैं, तीन आंखें मदन और रति पर जो है आसीन है। देवी के गले में हड्डियों की माला है, गले पर यज्ञोपवीत धारण की हुई है। देखिए इनका दोनों ही स्वरूप है, शांत स्वरूप भी उग्र स्वरूप है। जो भक्त शांत स्वरूप से इनकी पूजा करता है तो जो है शांत स्वरूप की उपासना से शांति स्वरूप को प्रकट करती है, और जो उग्र रूप में उपासना करने से जो है उग्र रूप में दर्शन देती है, जिससे साधक को जो है उच्चाट होने का भय रहता है। देखिए माँ छिन्नमस्ता का मस्तक जो है उनकी उपासना से सरस्वती सिद्ध होती है, सिद्ध प्राप्त होती है, शरीर रोग मुक्त होता है, उसके शरीर में रोग नहीं आती। सभी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष से जो शत्रु हैं, कोई भी किसी प्रकार के शत्रु हों, प्रत्यक्ष शत्रु तो कम होते हैं, अप्रत्यक्ष शत्रु सभी के होते हैं, कोई ना कोई अप्रत्यक्ष रूप से सामने प्रकट नहीं होते। तो माँ छिन्नमस्तका के उपासना से सभी तरह के जो शत्रु हैं उनका नाश होता है। आइए हम लोग जो है माँ छिन्नमस्ता का आवाहन पूजन करेंगे। ओम श्रीं ह्रीं ऐं वज्रभैरुचिन्यै ह्रीं फट स्वाहा। ओम छिन्नमस्ताकाय नमः। चत्वारि श्रृंगा त्रयो यस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्ता तथा स्व त्रिधा बद्धो वृषभो रुरवीति महादेवो मर्त्यान् आविवेशः। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं वज्रभैरुचिन्यै ह्रीं फट स्वाहा। ओम ह्रीं
ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं ऐं भगवती ह्रीं हूं फट स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवर्चुन्यै ह्रीं फट स्वाहा। भैरवाय भैरवर्षे नमः शिरसि सम्राट सन्दस्नि मुखे छिन्नमस्त देवताय नमः हृदि हूं बीजाय नमः गुहे। ओम मातरणि ह्रीं बीजाय नमः। ओम आवयास्मि प्रजाप्रथम ऋतस्य पूर्वम देवपतिस्तस्य नाम यो माम दत्तास्य एव वाक्षात् सह मन्न मन्न मदन्मदास्मि। ओम ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रविरोचन्यै ह्रीं श्रीं फट स्वाहा। मस्तकादि पाद पर्यंतानाम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवर्चुनी ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। पादादि मस्तकवान्तो ओम भावसमंडल मध्यकाम शिरशिरा छिन्नम विकीर्णान कलकम स्वरास्वकम प्रवि दुगला स्वरूपतरिदं वामे करे बीवतिम। ओम छिन्नमस्तकाय नमः। ओम जयाय नमः। ओम आधार शक्तये नमः। ओम प्रकृतये नमः। ओम कुर्माय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम पृथिव्ये नमः। ओम क्षीर समुद्राय नमः। ओम रत्नद्वीपाय नमः। ओम कल्पक्षाय नमः। ओम स्वर्ण सिंहासनाय नमः। ओम आनंद कंदक ओम आनंद कंदाय नमः। ओम समन्निलाय नमः। ओम सर्वतत्वात्मक पद्माय नमः। ओम सम सत्वाय नमः। ओम रम रजसे नमः। ओम तम तमसे नमः। ओम आम आत्मने नमः। ओम अम अंतरात्मने नमः। ओम पंग परमात्मने नमः। ओम ह्रीं ज्ञानात्मने नमः। ओम रति कामाभ्याम नमः। ओम जयाय नमः। विजयाय नमः। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम नित्यै नमः। ओम विलासिने नमः। ओम दुग्धे नमः। ओम घोराय नमः। ओम मंगलाय नमः। ओम सर्वबुद्धिप्रदे वर्णनीय सर्वसिद्धिप्रदे डाकिनीय ओम वज्रवचने ऐं ह्रीं 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 नमः। ओम सर्वसिद्धि सर्व वर्णनीय सर्वसिद्धि डाकिनीय वज्रवचनीय इहा तिष्ठ इहा सन्निधि धेय इहा सन्निरुद्ध। ओम वज्रवचने देहि 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 यहि गृह गृह स्वाहा। मम सिद्धि देहि देहि मम शत्रुणा शत्रुन मारय मारय कराकिले हुं फट स्वाहा। ओम शक्तये नमः। ओम दंडाय नमः। ओम वज्राय नमः। ओम खड्गाय नमः। ओम पाशाय नमः। ओम अंकुशाय नमः। ओम गदाय नमः। ओम शूलाय नमः। ओम पाशाय नमः। ओम चक्राय नमः। ओम अवश्यदेवे देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पयतुभ्यं प्रथमार्ण। ओम लं इंद्राय नमः। ओम ब्रह्म अग्नये नमः। ओम मम यमाय नमः। ओम सम निरतये नमः। ओम बम वरुणाय नमः। ओम यं वायवे नमः। ओम य ओम कुं कुवर्याय नमः। ओम हं ईशानाय नमः। ओम ब्रह्म ओम आं ब्रह्मणे नमः। ओम ह्रीं अनंताय नमः। ओम करालाय नमः। कराल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। ओम विकरालाय नमः। विकराल श्रीपादुकां पूजयामि। ओम जातिकाय नमः। विदकाय पादुकां पूजयामि। ओम महाकालाय नमः। महाकाल श्री पादुकां पूजयामि। ओम एकलिंगने नमः। एकलिंगं श्री पादुकां पूजयामि। ओम अहं खड्गाय नमः। ऋं खड्गाय नमः। स्वाहा अस्य श्री पादुकां पूजयामि नमः। ओम ऐं छिन्नमस्ताये नमः। छिन्नमस्ता पादुकां पूजयामि। ओम ऐं डाकिन्ये नमः। ओम ऐं वर्णिन्ये नमः। ओम सर्वसिद्धि प्रदे वर्णिने सर्वसिद्धि प्रदे डाकिने भैरवर्चुन्ये एते इमं बलिगृह गृहमादे गृहं फट स्वाहा। ओम पादुर्पाद्यं हस्तेर्अर्घ्यं मुखे याचमनीयं सर्वांगे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि श्री भैरवर्चुन्ये नमः। ओम छिन्नमस्तिकायै नमः। वस्त्रम उपवस्त्रम ओम जुवा सुवासा प्रवितागा सौस्त्यान भवति जायमानः तम धीरा सह कर्म साध्यो मनसा देवयंता उपासमे खायता नरः अपमानाय इन्द्रवे अभिदेवान् यक्षते।
ओम छिन्नमस्ताये नमः वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं वस्त्रान्त्यास्पनीयं जलं समर्पयामि गन्धं तिलकं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धिनि ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ಇದು ಕಾಲೋದ್ ಫಲಮಿದಂ ಫಲಂ ಮಯ ದೇವಸ್ಥಾಪಿತಂ ಪುರತಸ್ತವ ತೇನ ಮೇ ಸಫಲಾವಾಪ್ತಿರ್ ಭವೇ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಇದು ಕಾಲೋದ್ ಫಲಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ಮುಕ್ಷುಧ್ಯಾರ್ಥಯ ಲಾಲ ಮಂಗಲ ತಾಮ್ರ ಪತ್ರಂ ಜತ್ಕುರು ಹೇಣ ವಿಖಾ ದೇವ ಜಯ ವರ್ತಾನ ವತಾವ ಸಂತೋಷ ಸೀತಾ ಜಂಗಷ್ಮದ್ ಮಾ ಶ್ರದ್ಧವೇ ಓಂ ಅಖಂಡ ರಿತು ಫಲಂ ಓಂ ಮಜಾಹ ಫಲಿ ನಿರ್ಜಾ ಫಲಾ ಪುಷ್ಪಾ ಜಾಸ್ ಪುಷ್ಪಿಣಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಸ್ತಾ ಸ್ಥಾನ ಮುಂಚಂತ ಗಂಗಾಸ ಓಂ ಅಖಂಡ ರಿತು ಫಲಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ಕೃತಾಯ ಪೂಜಾಯ ಸಾಧು ಪುಣ್ಯಾರ್ಥೇ ದ್ರವ್ಯಕ್ಷಾಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ಓಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ಶ್ರೀ ಚಿನ್ನಮಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ನಾಭೋ ಶುಭ್ರ ಶುಭ್ರ ರವೀಂದ್ರ ತದುಪತಿಂ ವಿಲಸ ಮಂಡಲ ಚಂದ್ರಾಗ್ರಿ ಸಂಸಾರಸ್ಯ ಕಸಾಂ ತ್ರಿಭುವನ ಜನನಿಂ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾರ್ಥ ದಾತ್ರಿಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಮಧ್ಯೆ ತ್ರಿಭಾಗೇ ತ್ರಿತಯೋದಧಾಂ ಚಿನ್ನಮಸ್ತಾಂ ಪ್ರಸಾಸ್ತಾಂ ತಾಂ ವಂದೇ ಚಿನ್ನಮಸ್ತಾಂ ಸಮನಾಭಯಹರಾಂ ಯೋಗಿನೀಂ ಯೋಗ ಮುದ್ರಾಂ ಶ್ರೀ ಚಿನ್ನಮಸ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವಚಾರಾರ್ಥೇ ಗಂಧಾಕ್ಷತ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಿಯಾನ್ ಅನಯಾ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಿನ್ನಮಸ್ತಿಕಾಃ ಪ್ರಿಯಂತಾನ್ ನಮಃ ಆಯಿ ಅಬ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಜೋ ಹೈ ಛಠಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಕೌನ್ ಹೈ ತ್ರಿಪುರ ಭೈರವಿ ಮಾ ಭೈರವಿ ಕಾ ಆವಾಹನ್ ಪೂಜನ್ ಕರೆಂಗೆ देखिए त्रिपुर भैरवी क्या है, सभी बंधन कष्ट को दूर करने वाली त्रिपुर भैरवी चैतन्य भैरवी है, सिद्ध भैरवी भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, ರುದ್ರ ಭೈರವಿ, ಭದ್ರ ಭೈರವಿ, ತ್ರಿಪುರ ಭೈರವಿ, ಊರ್ಧ್ವಾನ್ಯಕಿ ಜೋ ಹೈ ದೇವತಾ ಹೈ. ತ್ರಿಪುರ ಭೈರವಿ ಸಾಧಕ ಕೋ ಭುಕ್ತಿ ಔರ್ ಮುಕ್ತಿ, ಭುಕ್ತಿ ಕಿಸ್ಕೋ ಬೋಲ್ತೆ ಯಾನಿ ಕಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಸಮಸ್ತ ಭೋಗೋ ಕೋ ದೇನೆ ವಾಲಿ, ಔರ್ ಮುಕ್ತಿ ಮರಣೋಪರಾಂತ ಮೋಕ್ಷ ದೇನೆ ವಾಲಿ, इनकी देवी है. इनकी पूजा से मनुष्य 16 कलाओं से युक्त होकर के संतान की प्राप्ति करता है. जल थल और नव यानी कि पृथ्वी आकाश जल में सब में जो उसका वर्चस्व कायम रहता है, ऐसी शक्ति है. जो व्यापार है, जो आजीविका है, आप जो भी आजीविका करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, जो आपकी आजीविका है, जो आपका साधन है कमाई का, उस साधन में जो है इतनी वृद्धि होती है, इतनी वृद्धि होती है कि माँ भैरवी की कृपा से, माँ भैरवी की कृपा से, आशीर्वाद से इतनी वृद्धि होती है कि मनुष्य जो है संसार में सबसे संपन्न, सबसे धन संपन्न व्यक्ति बनता है. इनकी ऐसी कृपा होती है, इनकी आशीर्वाद, इनका आशीर्वाद मिल जाए, मनुष्य जो है संसार का सर्वाधिक धनी व्यक्ति बनता है. सुखमय भोग को भोगता है. ओम ह्रिंग श्रृंग भैरव क्लिंग ह्रिंग स्वाहा. ओद्याद भानु सहस्र कांति वरुणाम आवाहन करेंगे, ध्यान करेंगे. ओद्याद भानु सहस्र कांति वरुणा क्षोमाम शिरो मालिकाम रक्तालिप्त पयोधराम जपवटीम विद्यामभीतिम वरम आस्ताव जय ददतिम तिनेत्र विलसद वक्त्रारविंद श्रियम देवीम बद्धिमाम सुरत्न मुकुटाम बंदी रविंद स्थिताम. ओम अविष्ट सिद्धि में दे शरणागत वत्सले भक्त्याश्रय तुभ्यम
प्रथम आवरणम ओम ऐं।